पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है, लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319699927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं कृष्णा सेंडे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइन से। सिवनी जिले में आ रहे भूकंप के झटके, बालाघाट जिले के लोग ना डरे ना अफवाहें फैलाएं। बिजली वितरण कंपनी ने 8,900 लोगों को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम, बिल जमा करें वरना कट जाएगी बिजली। कोरोना चला गांवों की ओर, बीते एक पखवाड़े से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मिल रहे मरीज। सर के ऊपर से जा रही ऑनलाइन पढ़ाई, छात्र बोले परीक्षा हुई तो नहीं हो पाएंगे पास। नगर पालिका कर्मचारियों ने दिया 8 तारीख तक का अल्टीमेटम, वेतन नहीं मिला तो होगा आंदोलन। अब खबरें विस्तार से। 31 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 19 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 35 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 31 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2,048 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1,922 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 104 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 12 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 10 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 110 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 19 मरीजों में लालबरा तहसील के ग्राम पनभीरी के 2 मरीज, बगदई का 1 मरीज, बरबोसपुर के 5 मरीज, नगरी क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 33 अवधपुरी मोतीनगर के 3 मरीज, वार्ड नंबर 33 मोतीनगर का 1 मरीज, वार्ड नंबर 1 का सिद्धार्थ नगर बूढ़ी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 32 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 26 प्रेम नगर का 1 मरीज, काली पुतली चौक का 1 मरीज, तहसील मुख्यालय परसवाड़ा का 1 मरीज एवं लांजी तहसील के ग्राम टेमनी के 2 मरीज शामिल है। शहर सहित लगे हुए ग्रामीण क्षेत्र के भीतर बड़े उपभोक्ताओं सहित आम उपभोक्ताओं के द्वारा बिजली बिल जमा नहीं किए जाने पर बिजली विभाग के द्वारा अब सख्ती बरतते हुए 8,900 उपभोक्ताओं को 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है, वरना इन सभी की बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। बिजली वितरण कंपनी के शहर अभियंता हुकुमचंद यादव ने बताया कि कंपनी के द्वारा लगातार लोगों से बिजली का बिल जमा करने की अपील की जा रही है, बावजूद इसके कि 2 से 3 महीने का बिजली बिल बड़े और आम उपभोक्ताओं के द्वारा जमा नहीं किया गया है। लगातार बिजली का बिल जमा नहीं होने के कारण विभाग के कर्मचारियों का वेतन वितरण जैसी समस्याएं खड़ी हो रही है, जिसे देखते हुए अब वितरण कंपनी के द्वारा सख्ती बरती जा रही है। आपको बताएं कि 8,900 उपभोक्ताओं में बालाघाट रेलवे स्टेशन, बनगंगा ड्यूटी विभाग सहित घरेलू उपभोक्ता शामिल है, जिनका बिजली बिल करीब 2 करोड़ रुपये से अधिक का है। सभी को 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। समय अवधि के भीतर बिजली बिल जमा नहीं किए जाने पर बिजली कनेक्शन विच्छेद कर दिया जाएगा। बालाघाट के पड़ोसी जिले सिवनी में बीते 15 दिनों से लगातार समय के अंतराल के बाद भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, जिस कारण सिवनी जिले की जनता में डर का माहौल बना हुआ है। इसका सीधा इफेक्ट बालाघाट जिले की जनता में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ भी बड़ी तेजी से अफवाहों का दौर चल रहा है कि कहीं बालाघाट में भी इसी तरह के भूकंप के झटके तो महसूस नहीं किए जाएंगे। सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई की इस खबर को देखते हुए हम आपको जियोलॉजी के विशेषज्ञ जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर एस के सक्सेना के द्वारा भूकंप के विषय में बड़ी बारीकी से जानकारी। भूकंप के विषय में डॉक्टर सक्सेना स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि बालाघाट जिले के भीतर भूकंप आने की संभावना बहुत ही कम है, इसलिए भूकंप आने की अफवाह न फैलाए और न किसी को फैलाने दे। बालाघाट में तो संभावना बहुत कम है, उन क्षेत्रों में विशेषकर सिवनी और छिंदवाड़ा वाला जो एरिया है वहाँ पे क्या है कि अलग अलग एज की चट्टाने हैं और जब दो अलग अलग समय काल के चट्टाने होती है तो उनमें दरारें आती हैं,
और संभावना यही है कि उसी की वजह से भूकंप आया होगा। वैसे जीएसआई की टीम आई हुई है सिवनी में, वो लोग भी स्टडी कर रहे हैं। बालाघाट में हमारे यहाँ वेरिएशन नहीं है रॉक्स में। बहुत पहले जब जबलपुर में अर्थक्वेक आया था तो थोड़े से झटके बालाघाट में महसूस हुए थे, तो वो बहुत ही कम थे और मुझे नहीं लगता कि बालाघाट में ऐसी कोई संभावना है अर्थक्वेक के आने की। बालाघाट की कैसा है सर यहाँ का मामला? यहाँ की जो संरचना है, यहाँ विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें हैं और बहुत ठोस चट्टानें हैं, इसलिए यहाँ संभावनाएं बहुत ही कम है। अब अगर कहीं से वेव्स, देखिए इसमें होता क्या है कि भूचाल की लहरें चलती हैं, तो अगर कहीं से कुछ लहरें यहाँ तक पहुँचती हैं तो हल्का थोड़ा बहुत असर हो सकता है, लेकिन ज्यादा असर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मतलब अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए? नहीं, अफवाहें जो है बिल्कुल गलत है और ऐसी कोई संभावना नहीं है कि बालाघाट में भी भूकंप आए। कोरोना संक्रमण काल में छात्रों को कोविड महामारी से बचने के लिए मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग से लेकर उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करवाई गई, लेकिन यह कितनी कारगर है इस बात का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इससे ना तो छात्र खुश है और ना ही उनके परिजन। छात्र तो यहां तक कह रहे हैं कि उन्हें क्लास में पढ़ने की आदत है, मोबाइल में तो बस खाना पूर्ति हो रही है। ऐसे में यदि आगामी दिनों में परीक्षा हुई तो उनका पास होना भी मुश्किल है। यह हालात स्कूल से लेकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहे छात्रों के साथ एक समान दिखाई दे रहे हैं। सर अभी तो नहीं जा रहे। तो कैसे पढ़ाई कर दूंगे फिर? सर ऑनलाइन क्लासेस लग रही है पर उसमें कुछ उतना समझ में नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है, जैसे अभी तक क्लासेस वगैरह चालू नहीं हुई है और जिस तरीके से पढ़ना था आप लोगों को, क्या उस तरीके से पढ़ाई हो पा रही ऑनलाइन? नहीं, जिस तरह हमें पढ़ना था उस टाइप का तो नहीं। हाँ एकदम अरे वहां पर समझ में नहीं आता जैसा जो भी। और ऑनलाइन में क्या दिक्कतें जा रही है? तो ऑनलाइन में नेटवर्क प्रॉब्लम और जो समझाते समझ में नहीं आता, वो जो समझाते वो समझ में नहीं आता। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में एग्जाम होने वाली है तो क्या उसमें पास आउट हो पाएंगे आप? कम चांसेस है क्योंकि इतना नया नया एडमिशन है तो उसमें से अच्छे से समझ नहीं आ रहा। हाँ अभी ठीक चल रही है। कैसे पढ़ रहे हो आप अभी? ऑनलाइन क्लास समझ में आता है? हाँ थोड़ा आज भी आता है कभी कभी। बाकी और जो स्कूल की पढ़ाई और ऑनलाइन की पढ़ाई में क्या फर्क है बेटा? स्कूल की पढ़ाई में ऐसा है कि सब समझ आ जाता है और ऑनलाइन में कुछ समझ नहीं आता। अच्छा, और जैसे अभी एग्जाम होने वाली तो क्या लग रहा है आपको पास हो पाएंगे उसमें? मुश्किल। छात्रों के परिजन बताते हैं कि मोबाइल की पढ़ाई के दौरान शिक्षक अपनी मन की बात बता देते हैं, लेकिन छात्रों को क्या परेशानी हो रही है यह छात्र नहीं बता पाते। नतीजा छात्र कथा की तरह पाठ तो पढ़ लेते हैं लेकिन समझ कुछ नहीं आता। उन्हें अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। मेरी बच्ची 8th क्लास में है और एक बड़ी बच्ची 9th क्लास में। तो अभी पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई मोबाइल से चल रही है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता ऑनलाइन पढ़ाई में। अच्छा, क्या फर्क है इसमें ऑनलाइन में, जैसे स्कूल की पढ़ाई और ऑनलाइन में? ऑनलाइन पढ़ाई में ऐसा है कि मोबाइल में बच्चे भीड़े रहते हैं, अक्षर उनको समझ में नहीं आते या मैडम समझा रही है हमें समझ में नहीं आ रही है कोई चीजें, तो हम मतलब हकीकत में आमने सामने पढ़ाई होती तो मैडम से पूछ सकते कि मैडम ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही तो फिर से समझाओ, लेकिन मोबाइल में अगर पढ़ाई हो रही है और जो चीज समझ में नहीं आ रही तो मोबाइल में हम पूछ नहीं सकते मैडम से कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे। मैडम ने एक बार पढ़ा दी मोबाइल में बच्चे को, जो मैडम ने एक बार समझा दी बच्चे को, जो समझ में आया ठीक है ना, मोबाइल में बच्चे आमने सामने बातचीत कर सकते हैं, कुछ कर सकते कि मैडम मुझे ये समझ में नहीं आया फिर से आप रिपीट करके मुझे समझाइए। निश्चित ही शिक्षा विभाग और छात्र दोनों की मजबूरी है कि वह कोविड की महामारी को देखते हुए मोबाइल पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। इस बात को शिक्षा विभाग भी जानता है कि प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाई करना और ऑनलाइन पढ़ाई करने में कितना अंतर है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी मजबूरी है, इसलिए अभी यह नहीं कहा जा सकता कि छात्रों को कब तक इस तरह की पढ़ाई करनी पड़ेगी। बालाघाट से पद्मेश 24/7 के लिए महेंद्र सिंह उइके की रिपोर्ट। बीते 2 वर्षों से आर्थिक तंगी की मार झेल रही नगर पालिका के सामने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और नियमित कर्मचारियों को वेतन देने की एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। हालात यहां तक खराब है कि बीते 4 महीने से नियमित वेतन तक इन कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। रविवार को कर्मचारी संघ के साथ बैठक कर नगर कर्मचारियों ने ऐलान कर दिया कि 8 नवम्बर तक वेतन नहीं मिला तो 9 नवम्बर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वे चले जाएंगे।
बैठक में उपस्थित नगरपालिका कर्मचारियों ने बताया कि लंबे समय से वे नगरपालिका में सेवाएं दे रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें कलेक्ट्रेट पर वेतन मानदेय नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण उन्हें आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही। हम लोगों को दो दो तीन तीन महीना ज्यादा तनख्वाह नहीं मिल रही है, 10-10, 11-11 साल हो गया, हम लोग को अभी तक नियमित नहीं किया गया है, तो उसकी वजह से हम लोगों की बैठक है आज और हड़ताल की चर्चा चल रही है। क्या होना चाहिए आप लोगों को, इतना सालों से काम कर रहे हैं आप लोग, कितने कर्मचारी होंगे जो उनको अभी तक रेगुलर नहीं किया? 800 या 900 कर्मचारी है पूरे, और अभी तक नियमित नहीं किया गया है, तनख्वाह नहीं होती दो दो तीन तीन महीने तक। और क्या मानदेय मिल रहा है आप लोग को अभी? अभी रेट नहीं बढ़ा है हम लोगों का, अभी 296 रुपए मिल रहा है हम लोगों को। कितना देना चाहिए आप लोगों को? हम लोगों का रेट जो कलेक्टर रेट आया है वो रेट नहीं मिल रहा हम लोगों को, अभी 323 रुपए जो कलेक्टर रेट आया वो अभी तक लागू। मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा बताते हैं कि लगातार नगर पालिका कर्मचारियों की ओर से यह शिकायत बताई जा रही है कि उन्हें बीते 4 महीनों से नियमित रूप से वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण उन्हें आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही। उनकी ओर से नगरपालिका कर्मचारी की मांग को देखते हुए अधिकारियों से चर्चा की गई, 8 नवंबर तक का समय दिया गया है, वरना 9 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। आज बैठक की गई है और बैठक में यही निर्णय लिया गया था कि अगर हम अभी नगरपालिका प्रशासन को हम कल नोटिस देंगे और नोटिस के माध्यम से यही निवेदन करेंगे कि हमारा शीघ्रता जो है इन लोगों का पेमेंट जो है दीपावली के पहले तत्काल दिया जाए, इनकी वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जाए और हमारी जो 10 सूत्री मांगे हैं 10 सूत्री मांगों पर सकारात्मक सरकार द्वारा जो नगर पालिका प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाए, अन्यथा अगर मान लो इनकी मांगे अगर मान लो पूरी नहीं की गई तो बालाघाट जिले के नगर पालिका के हर क्षेत्रों में चाहे वो स्थायी कर्मचारी हो, गार्डन में काम करने वाला हो, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो या रेगुलर कर्मचारी हो, ये सारे के सारे जो है वो 9 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। समय रहते हम यही मांग करते हैं कि इन हमारी मांगों को सरकार ध्यान देते हुए 9 तारीख के पहले एक हमारी बैठक आयोजित की जाए और बैठक आयोजित करने के माध्यम से हमारी जो इनकी जो प्रमुख मांगे हैं उनको पूरी की जाए। कोरोना ने ग्रामीण क्षेत्रों की ओर अपना रुख कर लिया है, नतीजा बीते 10 दिनों के भीतर मुख्यालय में एक्टिव मरीजों की संख्या उंगली पर गिनने लायक तक नहीं आई। वहीं दूसरी ओर रोजाना मिल रहे पॉजिटिव मरीजों में 99% मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिल रहे आंकड़े स्वयं इस बात का खुलासा कर रहे हैं। बीते 10 दिनों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो औसतन रोजाना 1.5 से 2 दर्जन पॉजिटिव मरीज जिले के भीतर मिल रहे हैं। बड़ी परेशानी यह है कि संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वाले उनके परिजन भी संक्रमित पाए जा रहे हैं। यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना की रफ्तार ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है, यह स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन दोनों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क का उपयोग नहीं के बराबर किया जा रहा है। दूसरी ओर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता। नतीजा यदि कोरोना की यही रफ्तार ग्रामीण क्षेत्रों में बनी रही तो धीरे धीरे आगामी दिनों में यह आंकड़ा बड़ी तेजी से बढ़ सकता। उससे भी बड़ी परेशानी यह है कि जिले के भीतर ट्रूनॉट लैब बीते 1.5 महीने से बंद है। रैपिड टेस्ट के लिए किट का शॉर्टेज चल रहा है। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज भेजी जाने वाली रिपोर्ट 5 दिनों के बाद आती है। इस कारण अधिकांश लोग जांच करने से बचते हैं, जो संक्रमित लोगों के साथ साथ उनके परिजनों के लिए परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे कहते हैं कि जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार मैदानी स्तर पर बेहतर कार्य किया जा रहा है। इस कारण शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के संक्रमितों का पता लगाने में आसानी हो रही है। लोगों से लगातार कोविड गाइडलाइन का पालन करने को कहा जा रहा है, जिससे संक्रमण और न बढ़े, इसलिए स्वयं लोगों को जागरूकता का परिचय देना होगा। सूत्रों की बातों पर यकीन करें तो शहरी क्षेत्र के लोगों के द्वारा लगातार जिले से बाहर जाकर या फिर बाहरी जिले से जिले में आने वाले निजी लैब से जांच करवाई जा रही है। पॉजिटिव पाए जाने पर गुपचुप तरीके से घर पर इलाज करवाया जा रहा है। शायद इस कारण ही जिला मुख्यालय और शहरी क्षेत्रों में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा तेजी से कम हो रहा है। नगर के दीनदयालपुरम कॉलोनी में ताश के पत्तों पर दांव लगाकर चल रहे हार जीत के खेल का भंडाफोड़ करते हुए कोतवाली पुलिस ने जुआ फड़ से 6,900 रुपये नगद जब्त कर जुआ खेल रहे भार जिले के साथ आधा दर्जन युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी जिला नरसिंहपुर तहसील के तेंदुघड़ा ग्राम धोबी निवासी 26 वर्षीय दीपेश पटेल, जिला नरसिंहपुर करेली निवासी 25 वर्षीय दुर्गेश सोनी, जिला नरसिंहपुर करेली निवासी 28 वर्षीय कुलदीप चौहान, जिला खरगोन थाना करे निवासी 28 वर्षीय चिमन यादव, जिला सागर देवरी निवासी 24 वर्षीय आशीष राय और जिला नरसिंहपुर गोटेगांव निवासी 32 वर्षीय मूरत सिंह चढ़ार के नाम समावेश है।
जिनके द्वारा अवैध तौर पर रुपए पैसे दांव पर लगाकर अवैध कमाई की जा रही थी, जिनके पास से पुलिस ने 6,900 रुपए नकद और ताश के 52 पत्ते भी जब्त किए। वैदलांग के पास दो अलग अलग निर्माणाधीन मकानों के स्टोर रूम में हुई चोरी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 37,700 रुपए की कुल कीमत का चोरी किया गया सामान बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी का नाम थाना नवेगांव ग्राम कोसमी निवासी 21 वर्षीय राहुल नागेश्वर है, जिसके पास से पुलिस ने लोहा काटने की मशीन, सेंटरिंग काटने की मशीन, केबल वायर, हथौड़ी, ड्रिल मशीन सहित चोरी की गई अन्य सामग्री जब्त की है। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है, जिससे शहर में हुई अन्य चोरी की वारदातों की जानकारी ली जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 अक्टूबर की रात्रि को वैदलान के पास नए मकान का निर्माण कार्य ठेकेदारों के द्वारा कराया जा रहा था, जिन्होंने अपना व अपने मजदूर वर्गों का सामान एक कच्चा स्टोर रूम बनाकर रखा था, जिसमें पार्थी ईश्वर नागपुरे के द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि इस स्थान से किसी अज्ञात चोरों के द्वारा लोहा काटने की मशीन, सेंटिंग काटने की मशीन, केबल वायर, हथौड़ी, कुल कीमत 37,700 रुपए की चोरी कर लिया गया है। लामता के रहने वाले एक युवक पर भोपाल में रहकर वहां की पढ़ाई करने वाली एक छात्रा के साथ 2 साल से दैहिक शोषण करने का मामला सामने आया है। लामता पुलिस ने आरोपी सतीश पिता अनिरुद्ध नेवारे के खिलाफ मामला दर्ज कर डायरी हबीबगंज थाना भोपाल भेज दी है। इस संबंध में थाना प्रभारी लामता दिनेश रावत ने बताया कि जिला सीहोर के तहसील रेहटी के अंतर्गत ग्राम अमीरगंज भैसान की रहने वाली एक पीड़िता युवती ने 27 अक्टूबर को लामता पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें उनके द्वारा आरोपित किया गया कि लामता के रहने वाले सतीश नेवारे ने उसके साथ 2 साल से शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण किया है। पीड़िता के मुताबिक वह अपने गांव से आकर भोपाल के शिवाजी नगर हबीबगंज में रहकर पढ़ाई करती थी, वहीं सतीश नेवारे भी हबीबगंज में निवास कर ड्राइवरी का कार्य करता था। अमीरगंज भैसान तहसील रेहटी जिला सीहोर की रहने वाली थी, जो भोपाल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसने शिकायत की थी कि सतीश नेवारे नाम का लड़का जो लामटा में रहता है, उसने मेरे साथ थाना हबीबगंज थाना क्षेत्र में एक शिवाजी पार्क है वहाँ पे रूम में मेरे साथ गलत काम किया है, और गलत काम करने के बाद ये सीधा लामटा अपने घर भाग आया है। तो वो जैसा फरिया पीड़िता ने बताया कि वो करीब 2 साल से सतीश नेवारे उस पर गलत दैहिक शोषण कर रहा था और शादी का झांसा देकर गलत काम कर रहा था। उसकी रिपोर्ट पर से हमने, चूँकि घटनास्थल थाना हबीबगंज वाला ये भोपाल का होने से, हमने 0 पे कायमी करके विधानुसार कार्रवाई के लिए हम डायरी वहाँ भेजवा दी। खैलांजी थाना के अंतर्गत 30 वर्षीय महिला के साथ दुराचार करने वाला झरिया निवासी 40 वर्षीय बसंत रांगडाले को 1 नवंबर को गिरफ्तार कर न्यायालय में भेज दिया गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पार्थी 30 वर्षीय महिला की एक 10 वर्षीय बच्ची है, जिसे उसके पति ने छोड़ दिया है, जिसके कारण वह अपनी बच्ची के साथ रहकर जीवन यापन करती है। पार्थी के घर 6 माह पूर्व झरिया निवासी 40 वर्षीय बसंत पिता झाड़ू लांगडाले मकान छाने के लिए आया था। इस दौरान बसंत ने महिला के साथ जबरदस्ती करते हुए दुराचार किया और शादी करने का प्रलोभन दिया था। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पद्मेश 24/7। नमस्कार।